जया बच्चन एक प्रख्यात भारतीय फिल्म अभिनेत्री होने के साथ साथ एक राजनीतिका भी है। उनका जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर भारत में हुआ था। उनके पिता तरुण कुमार भादोड़ी एक लेखक मंच कलाकार और पत्रकार थे, जबकि उनकी मां इंदिरा भादोड़ी एक गृहिणी थी। जया बच्चन ने अपनी स्कूली शिक्षा सेठ जोसेफा कॉन्वेटा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की है। स्कूल भोपाल और अपने स्कूल की प्रमुख छात्रा थी। उन्हें 1966 के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ अखिल भारतीय NCC कैडेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभियान में उनके करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म महानगर से हुई, जब वह केवल 15 साल की थी। फिल्म गुड्डी के रिलीज के तुरंत बाद वह बॉलीवुड में अपने आप में एक अभिनेत्री के रूप में उभरी। जया बच्चन कई हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करने के लिए आगे बढ़ी है, जिनमें उपार, जवानी दीवानी, अभिमान, अनमिका, बावर्ची, शोले, जंजीर और चुपके चुपके जैसी ब्लॉकमास्टर फिल्में शामिल थीं। अभियान में उनका करियर 1963 से 1981 तक चला। जया बच्चन ने साजा की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। ने महान अभिनेता अमिताभ बच्चन से शादी की है और बाद में अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन को जन्म दिया है। अमिताभ बच्चन हिंदू सिख माता पिता के पुत्र है। स्पष्ट रूप से तेजी और हरिवंश राय श्रीवास्तव का कोडनेम बच्चन है। वर्ष 1981 के बाद जया ने अभियान छोड़ दिया। तब से उनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी उथल पुथल शुरू हो गई, खासकर प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा के साथ उनके अमिताभ के अफेयर के काफ़ी उजगर होने लगे थे। उस समय उनके जीवन में बाधा उत्पन्न हुई, जब फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को पुनीत इजार के झटके से चोट लग गई, जिससे उनकी जान ही चली गई थी। बच्चन परिवार को वर्ष 2005 के एक और झटका लगा, जब उनके अस्थमा रोगी पति को पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। जया के पति इससे उबर तो गए। वर्तमान में उनके पति और उनके बेटे अभिषेक अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ ऑन स्क्रीन उपस्थिति के साथ बॉलीवुड पर राज करते हैं। जया बच्चन को बॉलीवुड में उनकी योग्यता को पहचानते हुए कई पुरस्कार भी मिले हैं।